Good morning, plus one students. So today in this lecture, I will tell you the advantages, because in the previous lecture we discussed about the long form of periodic table. So what are the advantages and disadvantages of long form of periodic table? So जो उसकी drawbacks थी वो almost इसमें cover up हो गई. Like ये according to atomic number elements arranged हैं, तो ये easy है reproduce करना and learn करना. दूसरी बात यह है कि इसमें उसने एस पी बी डी एफ मीन्स लाइक ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए भी इजी मतलब ग्रुपिंग होगी. और उसके अलावा जो एट ग्रुप एलिमेंट्स थे उन्होंने ट्रायड्स में सेट कर दिया, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट हो गई. और इसमें जो एलिमेंट्स है वो अकॉर्डिंग टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंज है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी रिवाइज करना ईजी हो गया. बट देर आर अ फ्यू डिफेक्ट्स जो कि इस टाइम पर भी है लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में. वन इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप विद द अल्कली मेटल्स, बट इट रिजेंबल्स मोर विद द हैलोजन 17 ग्रुप. एंड सेकेंड जो इसका डिफेक्ट है दैट इज द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स जो है उनको मेन बॉडी ऑफ पीरियड टेबल में एकोमोलेट नहीं किया गया. तो वाई इट इज सो, आफ्टर दिस टॉपिक आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द पीरियडिक प्रॉपर्टीज. So first of all, you should know what are the periodic properties. The properties which are directly or indirectly related with the electronic configuration. और उसमें regular gradation हो, जैसे ऊपर से नीचे या तो increase हो जाता है या decrease हो. First periodic property that I want to discuss, that is atomic radius. What is atomic radius? Atomic radius is the actual distance between the center of the nucleus to the outermost shell containing electron. That is atomic radius. Now, what are the difficulties? कि हम इसको डिटरमाइन करना है एटॉमिक रेडियस को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो what are the problems? The first one is the size of the atom. Size of the atom is so small कि इसको मेजर करना इतना ईजी नहीं है. Second thing is कि we discussed earlier in structure of atom, that is it is not possible to draw the exact boundary. So ऑर्बिट कंसेप्ट जो है रूल्ड आउट हो गया, तो ऑर्बिटल कंसेप्ट इज दिया, तो कैसे हम मतलब कि उसको एग्जैक्ट बाउंड्री को मार्क करेंगे. अनदर वन इज कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड स्टेट, कि वेदर इट इज़ अ कोवलेंट रेडियस और इट इज़ अ वैन डर वाल रेडियस, उसके अकॉर्डिंग वेरी भी करता है. और उसके अलावा इसको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है कि एक सिंगल एटम को उठाओ और उसको मेजर करो. दीज आर द डिफिकल्टीज. नाउ टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, कि कितने तरह का एटॉमिक रेडियस होता है. The very first one is covalent radius, next one is van der Waals radius, then is metallic radius. तो covalent radius क्या है? It is half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atom. कि अगर covalently bonded atom है तो उनके जो center है nucleus का उसके जितना भी distance का half, that means the half of the bond length. Next one is van der Waals radius. Van der Waals radius is the half of the distance between the nuclei of two neighboring molecules. कि जो neighboring molecules हैं उनके atom का half. That is the Van der Waals radius. Naturally the question can be asked कि out of covalent radius and Van der Waals radius which one is bigger and why? Naturally Van der Waals radius जो है वो बड़ा होगा. क्यों? Because the Van der Waals forces of attractions are very weak as compared to covalent. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल ओवरलैपिंग से बनता है. तो इसमें ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स कॉमन, दैट्स वाई इट इज द स्मॉलर. नेक्स्ट रेडियस दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट इज अ मेटैलिक रेडियस. मेटैलिक रेडियस क्या है? इट इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजस्टेंट मेटल आयंस इन द लैटिस. दो एडजस्टेंट मेटल आयन है उनका हाफ. नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस कि रेडियस वेरी कैसे करता है along a period, along a group. Along a period, जो आप left से right in a period move करेंगे तो atomic radius goes on increasing. Increasing or decreasing? What? It left से right जाते जाते क्या increase होता है? Effective nuclear charge increase होता है. So radius will decrease क्योंकि same shell में ही electron जा रहे हैं, लेकिन जब हम along a group move करेंगे तो उसका रेडियस इंक्रीज होएगा. क्यों इंक्रीज होएगा? क्योंकि हर स्टार्ट प्लस वन स्टूडेंट आई विल डिस्कस विद यू द आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू विच इट कैन एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस, कि कहाँ तक वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है.
यू नो आयन्स आर ऑफ टू टाइप, कैटाइन एंड एनाइन. कैटाइन कैसे बनते हैं? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड एनाइन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब हमने ये डिस्कस करना है कि कैटाइन का रेडियस स्मॉलर है या एनाइन का. तो सबसे पहले कैटाइन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैटाइन रेडियस इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल गैशियस एटम. तो कैटाइन लाइक वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम में 281 है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो सोडियम पॉजिटिव बन गया, मतलब सोडियम कैटाइन बन गया. अब इसमें प्रोटॉन्स तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 है. नाउ इधर क्या था, इधर 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन. अब 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. तो इसका मतलब इसका रेडियस स्मॉल हो जाएगा. लेकिन इन केस ऑफ एनायन, लाइक वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरिन. क्लोरिन में क्या है, 287, दैट मीन्स 17 प्रोटोन 17 इलेक्ट्रॉन. बट अगर हम गेन कराते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में, तो एनायन तो बन गया बट अब 17 प्रोटोन से 18 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. इसका मतलब कि रेडियस क्या होगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया. एक टॉपिक है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आयंस. ये क्या होता है, जब भी सेम मतलब चार्ज हो, आयंस या स्पीशीज पर सेम चार्ज हो, अदरवाइज उनका मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट हो. तो सेम मतलब कि उनका जो क्या उसको कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह दी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है. लाइक वी आर हैविंग एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. अगर इसके ऊपर हम चार्ज इंक्रीज करते रहते हैं, नेगेटिव, -3, -2, 0, +1, +2, +3, ऑल आर हैविंग टेन इलेक्ट्रॉन्स. अदरवाइज देखा जाए तो अगर इनका न्यूक्लियर चार्ज देखा जाए, मीन्स प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दैट मीन्स कि इनका न्यूक्लियर चार्ज तो डिफरेंट है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो इनके बेस पर भी हम वेरिएशन पूछ सकते हैं. तो आप बिल्कुल क्लियर है आपके माइंड में कि जितना बड़ा एनायन होएगा, इसका मतलब जितना ज़्यादा चार्ज है एनायन का उतना रेडियस बड़ा होएगा, तो रेडियस डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. क्लियर? तो लाइक दिस आई हैव गिवन यू द क्वेश्चंस, की क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम 281, तो वन इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है वो लूजली बाउंड है. तो बाय गिविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूट्रल गैशियस एटम. तो कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए हम उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैशियस एटम में से रिमूव कर दें सो दैट कि वो कैटायन बन जाए, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसके यूनिट्स होते हैं किलो जूल पर मोल. बट वन टॉपिक इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. सक्सेसिव क्या है? टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम 283, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फर्स्ट टाइम एनर्जी दी, फिर सेकंड टाइम दी, फिर थर्ड टाइम दिए, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बन गया. इसका मतलब अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो थर्ड टाइम जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड टाइम, एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वही बात होगी कि 13 प्रोटॉन्स ने अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया हुआ था. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. इसलिए ये जो IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज IE1, दैट मीन्स दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. ज्यों ज्यों आगे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है. नाउ द व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके ऊपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है? वन इज न्यूक्लियर चार्ज, देन एटॉमिक साइज, देन पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, साइज बढ़ने से इट लेस. क्यों? क्योंकि जूजू इलेक्ट्रॉन रिमूव मतलब दूर हो गया है न्यूक्लियस से, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है. पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब एस इलेक्ट्रॉन जो है, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, उनका ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है एज कम्पेयर टू PDF. तो इसलिए एस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, दे आर हाईली पेनिट्रेटेड. इसलिए पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा लगती है. और नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के जो शेल्स हैं उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो शील्ड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं. तो जो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता गया, इसका मतलब मोर द इलेक्ट्रॉन्स एडेड इन द इनर शेल्स, मोर विल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लेस विल द आयनाइजेशन एंथैल्पी. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर किसी की हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, अदरवाइज कम लगेगी. वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी,
जो जो आप पीरियड में मूव करोगे तो रेडियस कम लगा, आयनेशन थालपी ज़्यादा लगी, लेकिन इन अ ग्रुप आयनेशन थालपी डिक्रीज होती है क्योंकि उसकी साइज इंक्रीज होता रहता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि जैसे हमारे पास 287 क्लोरीन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इफ़ वी ऐड इलेक्ट्रॉन, तो ऐड इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब वो गैशियस एनायन बन गया। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितनी एनर्जी उससे रिलीज की दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हम ये हमेशा नेगेटिव होएंगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन तो वो एनायन बन गया, तो उस टाइम पर तो उससे एनर्जी रिलीज की। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो क्या हो रहा है उस टाइम पर उल्टा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड जो है ऑक्सीजन में पॉजिटिव होती है, क्यों? क्योंकि एनायन का नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, सो एनर्जी इज टू बी सप्लाइड। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? एटॉमिक साइज, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज। देन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, और हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैं दे आर वेरी स्टेबल, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ ग्रुप, जू जू आप ऊपर से नीचे जाएंगे वो लेस नेगेटिव होएगी, एंड अगर अलॉन्ग ए पीरियड है तो वो मोर नेगेटिव होती है। तो लास्ट टॉपिक इज वलेंसी। वलेंसी क्या है? वलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल प्रेजेंट और हाफ माइनस द। जैसे आपको पता है कि अगर हम अलॉन्ग ए पीरियड मूव करेंगे तो पहले वन से लेकर फोर तक एनर्जी वलेंसी इंक्रीज होती है एंड देन इट इज डिक्रीजेस टू जीरो, एंड अलॉन्ग अ ग्रुप इट ऑलवेज रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरिन, जिसकी 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मिनिमम जो है वो है सीजियम जिसकी 0.7 है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।